नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम देवनारायण ठाकुर, ग्राम नेमुआ, पोस्ट सुंदर, भाया थमुड़िया, प्रखंड लखनऊ, जिला मधुबनी और उत्तरी बिहार राज्य के रहने वाले हैं। इफ्कोर का ये विपत्त काल का जो कुछ भी है, परिस्थिति को निपटाने का कार्यक्रम किया है, उससे आपका बल कैसा बढ़ा है? सर, पहले हम लोग इतना जागरूक नहीं थे, लेकिन इफ्कोर के आने से हम लोगों में काफ़ी उत्सुकता बढ़ा। जैसे बार बार कुछ न कुछ प्रोग्राम सब होते आया, प्रोग्राम के द्वारा जैसे आरटीआई प्रोग्राम, फार्मर मवेशी का बीमारियों का निपटारा, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते आए। जैसे क्या कहते हैं, खेलकूद वाला प्रोग्राम को, ठीक है, जो याद है वही बोलिए। हाँ, तो इस सब के द्वारा हम लोगों के समाज में उत्सुकता बढ़ा। और जैसे कोई गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी को कोई धक्का देने से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हम लोगों में उत्सुकता बढ़ी और उत्सुकता के साथ साथ हम लोग कार्यक्रम में जागरूक हो गए। आपका कठिनाई कम कैसा हो गया, बाढ़ का जो कुछ भी हुआ था? सर, बाढ़ का कठिनाई हम लोगों को बाढ़ के समय में, एक तो बाढ़ पीड़ित एरिया है, दूसरी बात बाढ़ के समय में एफिकर के द्वारा काफ़ी सहायता मिली। जैसे टूटे हुए जगह पर चचरी का निर्माण हुआ, पुल बनवाया गया, तो और कई समस्याओं में हम लोगों को इसके द्वारा काफ़ी सहायता मिला, जो कि पहले नहीं मिलता था। जी, आपका जीविका में कैसा बदलाव आया, क्यों आया? जीविका में सर, पहले यहाँ के लोग समूह में बैठना नहीं जानते थे, किसी न किसी महाजन से 5 रुपया महीना या 10 रुपया महीना के रेट में ब्याज पर पैसा लेते थे कर्ज। लेकिन अब वो हालत नहीं रहा, एफिक्योर के द्वारा जीविका में जुटने से 2 रुपया सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज लगता है। और सब में जागरूकता बढ़ी कि हम जो किसी महाजन के द्वारा शोषित होते हैं, उससे यदि हम स्वयं से अपना पैसा ही 10 रुपया प्रति सप्ताह यदि जमा करते जाए, तो उससे एक न एक दिन भारी रकम हो जाएगी और जीविका द्वारा भी सहयोग मिलता है, तो हम किसी महाजन के शोषण में नहीं जाएंगे। इस सहायता से अब बहुत से अधिक जो भी नहीं जुड़ा हुआ था, वो सभी जुड़ने में लग गए हैं। जो जुड़ा हुआ था उनको तो फायदा मिल ही रहा है। आपको सूचना या सुझाव देना चाहते हैं क्या इफ्कोर की संस्था को? इफ्कोर के संस्था को मेरा यही, मेरे तरफ से ही सुझाव है सर, कि इनके संस्था के द्वारा हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। और बढ़ने के लिए यदि किसी न किसी संस्था या सरकार का सहयोग रहता है, तो उसे और आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। शुक्रिया।